इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। विश्वामित्र जी गदगद हो गए, सीता मैया प्रसन्न हो गई, जनक जी संकोच में आ गए, राजा जो बैठे थे डर गए और भगवान से अनुमति मांगते हैं लक्ष्मण जी। भगवान ने इशारे से कहा, अब पधारो। सयन ही रघुपति लखन प्रेम समेत निकट, विश्वामित्र समय शुभ जान बोले अति। क्या बोले? उठ हो राम भन जय हो भव चापा। चाल कैसे, जैसे युवान सिंह जाता है ऐसे प्रभु। ठवन जुआ मृग राज लजाए, बाबा ने देखा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल चले। नगर के सभी स्त्री पुरुष अपना पुण्य भगवान के साथ लगा दिए। सुनैना मैया का संशय, सखी का समाधान। सीता मैया धनुष की शरण में गई, गणेश भगवान की प्रार्थना की, भगवान शिव का आशीष चाहिए, मिला, माँ का मिल चुका है भगवानी पूजन में। अब मेरी माँ प्रेम मंत्र का जप करती है। क्यों? आपने कारण में सुना था ना, अगुन अरूप अलख अजोई भगत प्रेम बस सगुन सोही। भक्त के प्रेम के अधीन प्रभु ने प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के वशीभूत परमात्मा माँ जय के जय पर माँ प्रेम मंत्र का जप करती है। प्रेम परमात्मा तक पहुंचा। भगवान ने सीता मैया को कनखियों से देखा और धनुष को वैसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प को देखे। सियहि बिलोक तके धनु कैसे चितव गरुड़ लघु व्याल ही। लक्ष्मण जी ने देख लिया। लखन लखु रघुवंश अर्थात धरती को संभालिएगा। भगवान धनुष को तोड़ना चाहते हैं, कहीं धनुष के संग में पूरी धरती न उठे। जैसे ही लक्ष्मण जी ने दबाया है
मंच पर ही दबाया। अरे भगवान धनुष के पास पहुंचे, इष्टदेव शिव का विनाश, प्रभु ने शिव जी को प्रणाम किया, गुरुदेव माता पिता का स्मरण करके उनको भी प्रणाम किया, तीव्रता मां के भाव की समझकर भगवान ने धनुष के मुख्य केंद्र में कर रखा। कर रखते ही धनुष आकाश में गया। धरती में जय जयकार, नाद पंजरे की टंकार, देवताओं ने कान बस कर दी, मनुष्यों ने मुनियों ने सामने, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार ही। गोस्वामी जी कहते हैं क्या भया को दंड खंडेऊ राम। बाबा ने जय जयकार की, बोलिए राम चंद्र भगवान। अच्छा आप लोग जय जान के नहीं बोलते हो कि आप लोग की आवाज नहीं है? भाई जय में भी गरीब हैं आप लोग, अद्भुत हैं भाई। जरा अपने आप जय बोलो, रामचंद्र भगवान की जय। में गरीबी यार, नाक कटाई दे रहे हो आप, थोड़ा जय बोलिए तो जाड़ा भगे। 100 बार बोलवा में का, एक बार और बोलिए, चलिए रहने देते हैं। देखिए प्रातस्मरणी पूज्य केशव रामचंद्र डोगरे जी महाराज कहते थे कि भगवान के लिए जय मत बोलो, अपनी जय चाहते हो तो भगवान की जय बोलो, अपनी जय चाहते हो तो जय बोलो। मैं कथा में इसीलिए बच्चों को आगे बिठाता हूँ और बूढ़े लोगों को बीच में बिठाता हूँ, नौजवानों को तो नहीं आवे तो ज़्यादा अच्छा, कि नौजवान लोग बोलते नहीं हैं। अभी बच्चे हो, रामचंद्र भगवान की, ऐसे नहीं बोलते बच्चे, बच्चे ऐसे जय बोलते, इसलिए रुकी जय है। छोटे बच्चों को आगे बिठा के देखो आप, जोर से बोलते तो जो नहीं बोलता है जय। एक कथा में तो बच्चा इतना बढ़िया था, जो नहीं बोले उसके कान में जाके बोलता था जय। हमको बताया महाराज ये बहुत उत्पाती है, मैं धीरे से बोलता हूं तो मेरे कान में जोर से बोलता है, जानते। जय करने से महाराज जी कहते थे भगवान की जय बोलोगे, देखो देवताओं को वेद मंत्र नहीं आता,
अब हर जगह देखेंगे, यहां भी देखेंगे आप लोग, नभ सुर जय 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 थी पुकारे, हाँ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय बोला करिए। कहीं शंख बजे मंदिर का ना, तो वहां उधर हाथ करके प्रणाम करिए और भगवान की जय बोला करिए, जय जरूर बोला करिए। और कथा में बैठते हैं ना, ये जो आप पगड़ी बांधे हो, ये जो पगड़ी बांधे हो ना, ससुर कथा का सुनो, जब काने बंद है तब इसमें आवाज जाएगी, कनवा तो खोल के रखो। कथा में भी कान यदि न खुला तो शिव बाबा कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र सांप भवन समाना। क्या कहा? जिनके कान में, अब हम बांध दिए हैं ना पगड़ी, कान में हमारे आवाज़ नहीं जा रही है कि आप क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, तो कम से कम कथवा में कनवा के खोल के रखा लो। मंदिर में जाए तो आँख ही खोल के रखा, देखा सुना, ये कान और आँख कब तक साथ रहेगा, इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। हमारे साथ जो डॉक्टर साहब रहते थे, चूँकि भाभी रही नहीं तो वो थोड़ा सा अपने नातिन को खिलाने में लगे हैं, बेचारे अकेले परिवार में हैं, वो बच्चे सब नौकरी करते हैं उनके, तो उनको मैं पूछता था जब, डॉक्टर साहब खाना पीना हो गया, तो कहते थे सरकार स्नान तो हम 4 बजे ही कर लेते हैं, अब हम पूछ रहे हैं कि खाना पीना हो गया, तो कहते तब नहा लिए। मेरा भाव ये है कि भगवान की कथा सुनना हो, कीर्तन सुनना हो, तो कान को मत बांधिए, और बहुत सारे उपाय कर लीजिए, कान को खोल के रखिए, नहीं तो शिव बाबा कहते हैं लोचन संत दर्श नहीं देखा, क्या है नैनन, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा, मोर के पंख पर बने जैसे आंख है वैसी आंख। कान खोल के रखिएगा तो सुनाई खूब पड़ेगा, खूब आनंद होगा, इसलिए कान को व्यवस्थित रूप से रखा जाए, और आनंद के साथ जय जय। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।